दोस्तों ये कहानी ऐसे पांच लौंड की है जो कि अपने गांव के एक घपाघप स्टार के दीवाने मजनू आवारा होते हैं और हर टाइम बस पैसा जमा करके उसके साथ भटाभट 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 करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इन पांचों बच्चे के कारनामों को। कहानी की शुरुआत ग्रीक देश के एक छोटे से गाँव भोपड़ीपुर से होती है। उस समय वहाँ तानाशाही चल रही होती है जिससे सभी की फटकी चार हो रखी थी। इसी वजह से सरकार ने उन लोगों को टीवी रखने से मना किया था, क्योंकि सरकार का मानना था उनकी टीवी के न्यूज सभी को गुमराह करते हैं। इसके बाद हम इन्हीं पांच दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम थे थॉमस, हरकुलस, फैनी, फोर्टिस और एलियास, और ये सारे मिलकर अपने अड्डे पर मौज लेने जा रहे होते हैं, जहाँ पे एक टूटे फूटे प्लेन की बॉडी होती है और ये पांचों उसी में बैठकर गंदी गंदी बातें करते हैं। और उनकी बातें से हमें पता चलता है कि सभी ने मिलकर कसम खाई है धीरे धीरे मिलकर पैसा जमा करेंगे और उन पैसों से अपने गाँव की एक अकेली घपाघप स्टार के साथ भटाभट भटाभट करना चाहते हैं। वहीं पर एलियास कहता है कि अगर हम पांचों में से कोई भी अकेला यूरेनिया के पास गया तो उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लौंडा बहुत चालू होता है इसीलिए ये इनका हुतिया काट देता है। वही रात को हम एलियास को एक लड़की जोई की गोद में लेटा हुआ देखते हैं। वो दोनों अक्सर मिलकर आसमान के तारों के बारे में बात किया करते हैं और कभी कभी एलियास उसे गंदी गंदी शायरियाँ भी सुनाया करता था। अगले दिन हम देखते हैं कि ये पांचों अपने घर से थोड़े थोड़े पैसे लेकर यूरेनिया से मिलने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ वो छुप छुप कर यूरेनिया को देखते हैं जो कि बेहद मस्त दिख रही थी। लेकिन इस बार भी उनके पास कम पैसों की वजह से यूरेनिया उसे वहाँ से भगा देती है। तभी एक लौंडा उन पैसों के साथ साथ यूरेनिया को एक ब्रेड भी देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और उन्हें अपने दर्शन कराने लगती है, जिससे ये पांचों शराबी गधे की तरह उसके दीवाने हो जाते हैं। इसके बाद जब एलियास अपने घर आता है तो उसके डैड उस पर काफी ज्यादा चिल्लाते हैं, क्योंकि वो हमेशा खाना खाने के टाइम लेट आता था। वहीं पर हमें पता चलता है कि एलियास एक पायलट बनना चाहता है, लेकिन उसके डैड उसे घंटा सपोर्ट नहीं करते और कहते हैं कि एक लोहार का बेटा सिर्फ लोहार ही बन सकता है, जहां हमें पता चलता है कि इसका बाप एक लोहार है और वो ये भी कहते हैं कि तू कभी पायलट नहीं बन सकता क्योंकि तुझे कभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जो कि पायलट और एस्ट्रोनॉट में बहुत अहम भूमिका निभाता है। लेकिन वहीं पर एलियास के दादाजी बिल्कुल अलग थे, वो हमेशा एलियास के सपोर्ट में रहते थे। उसी रात ये चूचू को मैगन फोर्स की मूवी देखनी थी और ये टिकट लेकर अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे चौकीदार इन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल देता है क्योंकि ये दोनों अभी बालक थे। लेकिन एलियास में कीड़ा होता है और उसे वो फिल्म देखनी होती है, इसीलिए वो दीवार पर चढ़कर मूवी देखने लगता है। लेकिन पता नहीं कैसे वो उस दीवार से नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसके पैर में चोट लग जाती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि इसके पैर की हड्डी टूट गई है। वहीं डॉक्टर के साथ बात करके उसे पता चलता है नासा का ओपो 11 मिशन कामयाब होने वाला है और इंसान पहली बार चांद पे अपना कदम रखने वाला है। ये सीन टीवी पर भी दिखाया जाएगा। ये बात सुनकर एलियास को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसके घर में ना ही कोई टीवी थी और ना ही कुछ, जिससे वो काफी उदास हो जाता है। अगले दिन फोर्टिस के दुकान में यूरेनिया कुछ सामान लेने आती है, जहाँ पे फोर्टिस को यूरेनिया अपने चार नक्शे दिखाती है, जिसे देखकर फोर्टिस का दिल लोटिस लोटिस हो जाता है और यूरेनिया उसे इशारे में ऊपर रखी कैन निकालने को कहती है। और ये आशिक बाज छुपके से वो कैन निकाल रहा होता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान तो यूरेनिया के ऊपर होता है, जिससे वो उस कैन को अपने बाप के सर के ऊपर गिरा देता है, जिससे गुस्से में उसका बाप उसे मार के दुकान से बाहर निकाल देता है। फिर फोर्टिस सभी दोस्तों को इशारा करके अपने अड्डे पे बुलाता है, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि आज यूरेनिया मेरी दुकान पर आई थी, जिसे देखकर मैं भंड हो गया था। लेकिन वहीं पर एलियास सबको अपोलो 11 मिशन के बारे में बताता है कि इंसानियत के इतिहास में पहली बार कोई आदमी चांद पर कदम रखने वाला है, इसीलिए वो सबको बोलता है कि जो पैसे हम यूरेनिया के साथ भटाभट भटाभट करने के लिए जमा कर रहे हैं, हमें उन पैसों की एक टीवी खरीद लेनी चाहिए। ये सुनकर फोर्टिस बोलता है, अबे झोपड़ी के पागल है क्या, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मुझे तो यूरेनिया से बस भटाभट 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 करना है। तो एलियास कहता है कि चल भाई तू वोट कर ले, जो जीतेगा उसकी बात मान लेंगे। जिस दौरान पांच में से तीन वोट एलियास को मिलते हैं और फोर्टिस को दो। अब वो सारे मिलकर पैसा जमा कर टीवी खरीदने लग जाते हैं। वहीं गांव के सभी औरतों में ये खबर फैल जाती है कि बच्चे टीवी खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, जिसपे वो सभी लोग भी उनके मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। टीवी खरीदने के लिए कुछ ज्यादा ही पैसों की नीड होती है, तो ये पांचों मिलकर रात में एक नाटक शो करते हैं, जहां वो बताते हैं कि पहली बार कोई आदमी चांद पर कदम रखने वाला है और हमें इस पल को मिस नहीं करना चाहिए। उसी दौरान वो नाटक देखने यूरेनिया और जोई भी आती है, जिसे देखकर फोर्टिस पिघल जाता है और दूसरी तरफ एलियास जोई को जिस स्टाइल में तार रहा था उससे हमें साफ समझ आता है कि ये यूरेनिया के बजाय जोई को लपेटना चाहता है। वहीं शो खत्म हो जाने के बाद गांव वालों को वो बहुत पसंद आता है और वो थोड़े थोड़े पैसे भी उनको दे देते हैं। आगे जब वो सब अपने पैसों को गिनते हैं तो हरकुलस कहता है कि टीवी खरीदने के लिए हमें जितने पैसे चाहिए हमारे पास उसके आधे भी नहीं है। तभी फेरी उन सभी को एक भिखारी के बारे में बताता है और कहता है कि पहले वो सोने की खदान में काम किया करता था और पूरे गांव में अफवाह है कि उसके पास ढेर सारा सोना है जो उसने अपने गधे के बैठने वाले सीट के नीचे छुपा कर रखा है। ये सुनकर वो सभी उस भिखारी के पीछे पड़ जाते हैं और उसके गधे के आगे एक दूसरी गधी ले आते हैं, जिससे वो गधा उस
गधी के पीछे भाग जाता है और फिर वो पांचों उस भिखारी के गधे की सीट फाड़ फूड देते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी सोना नहीं मिलता, जिससे ये सभी मायूस हो जाते हैं। आगे एलियास उस भिखारी के सीट को सही करके दे देता है, जिससे उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन एलियास एक पुलिस वाले की पेंटिंग बना रहा होता है कि तभी उसके पास एक कॉल आती है कि आने वाले थोड़े दिनों में यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट उनके गांव में आने वाले हैं। ये बात एलियास भी सुन लेता है। वो घर जाके ये बात अपनी मम्मी को बता देता है। तभी एलियास की मॉम उसे कुछ पैसे देती है जो कि गांव की औरतों ने टीवी खरीदने के लिए जमा की होते हैं, और ये देखकर वो बहुत खुश होता है। आगे ये बात वो अपने सभी दोस्तों को बताता है, और उन पैसों के मिलने के बाद अब उन्हें टीवी खरीदने के लिए थोड़े और पैसों की जरूरत थी। अगले दिन जब सभी बच्चे सिनेमा हॉल के बाहर खड़े थे, तभी उनसे एक आदमी मिलने आता है और बातों बातों में उसे पता चलता है कि ये बच्चे टीवी खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। तब वो आदमी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और बदले में वो बस बच्चों को पूरे गांव में ये खबर फैलाने को बोलता है कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट यहां पर आने वाले हैं। और ये बात ये पांचों मान जाते हैं। अब हम इस गांव के ऑफिसर को देखते हैं। उसके पास वही आदमी आता है जिसने उन बच्चों को टीवी खरीदने के लिए बाकी पैसे दिए थे। यहां पे हमें पता चलता है कि ये बंदा यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी चीफ इंचार्ज है, और वो यहां के ऑफिसर से कहता है कि उनके यहां आने पर सिक्योरिटी बहुत हाई होनी चाहिए। वहीं रात में एलियास जो बताता है कि हमने टीवी खरीदने के लिए पैसे जमा कर लिए हैं। इसके बाद यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट उनके गांव में आते हैं और ठीक ठाक सुरक्षित वापस भी पहुंच जाते हैं। अगले दिन ये सभी दोस्त टीवी खरीदने के लिए पैसे चेक करने जाते हैं, लेकिन यहां पर इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है क्योंकि उनके सारे पैसे गायब थे, और वो सोचते हैं कि सारे पैसे कहां गए। तो एलियास सोचता है कि यहां पर फोर्टिस नहीं है, जिससे वो समझ जाते हैं कि फोर्टिस ने सारे पैसे चुरा लिए हैं और वो उन पैसों के साथ यूरेनिया के साथ मजे करने गया है। इसीलिए सारे तुरंत यूरेनिया के घर की तरफ जाने लगते हैं, और वहां पे पहुंचने पर वो देखते हैं कि फोर्टिस यूरेनिया के घर के बाहर निकल रहा है, यानी फोर्टिस ने वो काम कर दिया जो वो चाहता था। तभी यूरेनिया बाहर आकर उन सभी को अंदर आने बोलती है। ये सुनकर सभी लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन एलियास अंदर नहीं जाता। वो उदास होकर वापस जाने लगता है क्योंकि उसे इंसान को चांद पर कदम रखते हुए देखना था, जो कि अब पूरा नहीं हो सकता था। तभी वो जोई को अपने बॉयफ्रेंड के साथ गांव छोड़ के जाते हुए देखता है। ये देखकर वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वो उसी भिखारी को देखता है जो कि एक टीवी लेकर आ रहा होता है। इसका मतलब उसके पास सच में सोना था। ये देखकर एलियास बहुत खुश होता है, और अब गांव में सभी लोग मिलकर टीवी को स्टार्ट करते हैं, जहां पर फाइनली एलियास इंसान को चांद पर उतरता हुआ देख लेता है, और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।